जांच एजेंसियों ने दावा किया कि दाऊद ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी के लिए विदेशी नामों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बताया गया कि ड्रग्स तस्करी का यह तरीका इसलिए अपनाया गया ताकि भारत की एजेंसियों को भटकाया जा सके और नए साल के मौके पर बड़े पैमाने पर भारत में ड्रग्स भेजे जा सके। एनसीबी के मुताबिक इसके लिए दाऊद इब्राहिम ने एक नया तरीका ईजाद कर लिया है। दावा किया गया कि अब वो ड्रग्स की तस्करी के लिए पाकिस्तानी नावों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि वो श्रीलंका और ईरान की नावों से ड्रग्स और हथियार भारत भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की नावों पर कोस्ट गार्ड की नजर ज्यादा होती है, इसलिए श्रीलंका और ईरान की नाव के जरिए उसे भटकाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही नाव पकड़े जाने पर सीधे दाऊद और पाकिस्तान का नाम भी सामने नहीं आता, कोई लिंक मिले नहीं अथॉरिटीज को। अगर वो पकड़े भी जाए बोट तो उसका लिंक उन तक ना पहुंचे। बताया गया कि इसी तरीके से नए साल पर भारी मात्रा में ड्रग्स भारत भेजने की तैयारी थी, लेकिन वक्त लेते ही जांच एजेंसियों ने दाऊद की इस साजिश का पता लगा लिया और एनसीबी ने कुछ रोज पहले ही श्रीलंका और ईरान की नाव जब्त करने का दावा भी किया। इस बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि मिलिट्री ड्रिल पर भड़के उत्तर कोरिया ने दूसरे दिन भी बमों की बौछार कर दी। एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने दक्षिण कोरिया के नजदीक 130 से ज्यादा बम बरसाए, जिसके अगले दिन भी उत्तर कोरिया ने बमों की बारिश थमने नहीं दी। खबर है कि उसने दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने के मकसद से उसकी सीमा के नजदीक एक के बाद एक कई बम बरसाए। इस दौरान कुछ बम तो दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा के बेहद नजदीक आकर गिरे, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन उत्तर कोरिया ने जंग की तैयारी जारी रखी। वो पिछले कई महीनों से दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका पर भी बौखलाया हुआ है। इसकी वजह है युद्ध का अभ्यास, जो इन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चल रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं मिलकर पिछले कई हफ्तों से मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं और उत्तर कोरिया इसी बात पर भड़का हुआ है। वो इस साल अपनी कई मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है, साथ ही खबर है कि वो परमाणु बम का भी परीक्षण करने की तैयारी में है। इधर राजस्थान के झुंझुनू से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की, बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बदमाश उस गाड़ी पर पत्थरबाजी करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी को कुछ लोग घेर कर उस पर ईंटों की बरसात करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग उस पर डंडों से हमला करते नजर आए। बदमाश उस गाड़ी में तोड़फोड़ कर ही रहे थे, तभी वहां मौजूद एक पिकअप वैन ने उस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी घूम गई। इसके बाद भी कई बार पिकअप वैन से उस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि गाड़ी में बैठे आदमी ने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी बॉर्डर विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सीमा विवाद को लेकर फोन पर बातचीत हुई, साथ ही कर्नाटक के बेलगावी में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की। फडणवीस ने बॉर्डर पर हंगामा करने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। यही नहीं, इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया, जिसकी एक तस्वीर सिंधुदुर्ग से आई, जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिख दिया।